स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। सेकंड ईयर मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3। आज की इस वीडियो में जो है वो हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देख लेते हैं कि इसमें हमने सॉल्व क्या करना है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू, हमारे पास इसमें तीन इक्वेशंस गिवन है और तीन ही इसमें हमने जो है वो फॉर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट पे जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और इसकी जो है वो तीनों फॉर्म जो है वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इसी तरीके से तीनों इक्वेशंस की जो है वो तीनों फॉर्म हम फाइंड करेंगे। एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम जीरो जीरो टू ईच लाइन, और इसकी जो है वो लेंथ भी हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट इक्वेशन जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 21 का ए इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो। इसका फर्स्ट फॉर्म जो हमने फाइंड करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरीके से होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्म बनाने के लिए y जो है वो हम इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट पे 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो। तो y वाली इक्वेशंस को एक साइड पे कर लेंगे, 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। यहाँ पे देखें हमारे पास y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के लिए 4 को, तो 4 के साथ बहुत साइड पे जो है वो हम डिवाइड करेंगे 4 पे। तो ये आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 2 ओवर 4x प्लस 11 ओवर 4। जो इसकी इक्वेशन आ रही है आफ्टर डिवीजन, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4। तो ये इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड पे जो हमने इसकी फॉर्म फाइंड करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म, फर्स्ट क्या थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये हमारे पास जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, इस तरीके से जो है वो हमने इसी इक्वेशन को बनाना है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हमारे पास वही है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 11 इस साइड पे प्लस का, इस साइड पे जाकर जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो इस साइड पे जो है हमारे पास 1 है, तो 11 माइनस 11 से इसको जो है वो डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2x प्लस 4y, 2x ओवर माइनस 11 प्लस 4y ओवर 11 इज इक्वल टू 1। तो 2 इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके जो है वो डिवाइड होगा इस तरीके से, x ओवर माइनस 11 ओवर 2 हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है इस इक्वेशन ऑफ लाइन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी जो है वो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। थर्ड पे जो हमने इसको फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11, तो इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये कहाँ से आया माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये हमने इस तरीके से करना है, जो x के साथ वाली वैल्यू है ये 2 है और y के साथ जो है वो माइनस 4 है। तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये इसको कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। तो इसके साथ जो है वो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, आफ्टर डिवीजन ये हमारे पास ये आ रहा है। तो ये इसकी जो है वो नॉर्मल फॉर्म है। इसकी हमने लेंथ भी फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म 0 0 टू लाइन 11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये इसकी फॉर्म है नॉर्मल। अब ये जो है वो हमने एक इक्वेशन तो सॉल्व कर ली है, नेक्स्ट जो है वो इसका बी पार्ट है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इसकी भी जो है वो हम तीनों फॉर्म्स फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
फर्स्ट में हम इसकी फाइंड करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन जो है वो यही रहेगी, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई को एक साइड पे कर लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 2y। तो y के साथ 7 को ख़त्म करने के लिए हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड पे जो है वो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो इसको 1 बनाने के लिए हम जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, आफ्टर डिवाइड तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी तो 2x ओवर 1 आ रहा है प्लस 7 ओवर 2 y इज इक्वल टू 1। तो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके जो है वो डिवाइड होगा, x ओवर 1 ओवर 2 आ जाएगा प्लस y ओवर 2 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड पे जो हमने इसकी फॉर्म फाइंड करनी है वो नॉर्मल फॉर्म है, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो इसको हमने जिस तरह से फर्स्ट पे किया था, इसको x वाले के साथ का स्केयर प्लस y वाले के साथ का स्केयर ऊपर स्केयर रूट, तो ये आफ्टर इसको कैलकुलेशन तो ये हमारे पास आ रहा है स्केयर रूट 65। इस पर हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे स्केयर रूट 65 पे, तो ये जो है इसकी नॉर्मल फॉर्म है। तो इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म फ्रॉम 0 0 टू लाइन 2 ओवर स्केयर रूट 65, ये जो है वो इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है सी पार्ट इसका, इसकी भी हमने तीनों फॉर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट पे स्लो फॉर्म, सेकंड पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड पे जो है वो नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन जो है वो देख लें हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फर्स्ट पे हम फाइंड करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में करेंगे इस इक्वेशन को। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y वाली को एक साइड पे रहने गए तो इस 15 को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे 15 के साथ, आफ्टर डिवीजन y इज इक्वल टू 8 ओवर 15x माइनस 3 ओवर 15। तो ये हमारे पास इसकी जो फाइनल इक्वेशन आ रही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, y इज इक्वल टू 8 ओवर 15x माइनस 1 ओवर फॉर्म, इस इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड पे जो है वो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसको हम जो है वो 3 को एक साइड पे ले जाएंगे, 15y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो 1 लाने के लिए हम जो है वो माइनस 3 के साथ बोथ साइड पे जो है वो डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवीजन ये जो इसकी फॉर्म आ रही है x ओवर 3 ओवर 8 माइनस y ओवर 1 ओवर माइनस 15 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड पे जो है वो इसके नॉर्मल फॉर्म फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन के, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 8x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडिंग बाय माइनस 17। तो ये 17 कहाँ से आया है, माइनस 8x एक्स के साथ वाली का स्केयर लेंगे प्लस y के साथ वाली का स्केयर ऊपर स्केयर रूट, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो है वो हमारे पास माइनस 17 आया। तो 17 के साथ बोथ साइड पे जो है वो डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवीजन 8 ओवर 17x माइनस 15 ओवर 17y इज इक्वल टू 3 ओवर 17 इज नॉर्मल फॉर्म, ये जो है वो इसकी नॉर्मल फॉर्म है। आज की इस वीडियो में हमने जो है वो सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।